आज योगाभ्यास लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, और बल्कि कहिए कि वो फैशन के दौर तक आ गया है। हम इस चीज़ को कहने में गर्व महसूस करने लगे हैं कि मैं योगाभ्यास करता हूँ या मैं योगाभ्यास करती हूँ। और ये क्रेज़ कुछ ऐसा हो गया, या कहिए कि हमने उसको इतना इजी बना दिया कि आप किसी भी समय योगिक क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। मैं योग का व्यक्ति हूँ और ये मानता हूँ कि कम से कम सही जानकारी हमारे स्तर से आपके पास जानी चाहिए। योगाभ्यास हर समय किया जा सकता है, खावत पीवत सोवत जागत, नेक बिसर नहीं जाए। खटखट रहत बाल जो हृदय में दर्दी के दर्द समाए। जैसे तकलीफ वाला व्यक्ति के ध्यान हमेशा तकलीफ पे बना रहता है अपनी, ऐसे ही योग भी हर समय किया जाना चाहिए, हमें योगस्थ रहना चाहिए। लेकिन ये जो सिद्धांत है, ये योग के एप्लीकेशन के ऊपर होता है कि हम योग को अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन योगिक क्रियाओं का जो अभ्यास है, उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं, जिस वजह से चाहे वो स्कूल में योगाभ्यास बच्चों को कराया जा रहा हो, 5वां पीरियड इंग्लिश का है, 6ठा पीरियड योग का लगा दिया, या फिर लोग सोचते हैं जब भी समय मिल जाए तब हम योगाभ्यास कर लेंगे, तो उससे लाभ के बजाय हानियों की संभावनाएं अधिक रहती हैं। पहला नियम है, ये हो सकता है आपको ना किसी ने बताया हो, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि योगाभ्यास के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागरण पहली शर्त है। अगर आप सुबह को जल्दी नहीं उठते हैं तो आपका शरीर आपका सहयोग नहीं करता है। कुदरत के बड़े करिश्मे हैं कि समय के अनुसार काम बटे हुए हैं। सुबह का समय निर्मल होने का समय है, घर को भी संवारें, तन को भी संवारें, और अपने जो प्राण वाला सिस्टम है, प्राणिक हीलिंग जिसको हम कहते हैं, उसको पाने के लिए ऊर्जावान होने का समय भी प्रातः काल का ही है। सुबह को जल्दी उठिएगा, तब आप योगाभ्यास करिएगा, वरना आपका जो साइकिल है वो ही डिस्टर्ब हो जाएगा। मलत्याग क्रिया सही समय पर नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि दिन भर के जो आपके कार्यक्रम हैं वो सारे के सारे अस्त व्यस्त हो जाएंगे। दूसरे, सुबह का समय फ्रेशनेस का होता है, यानी उस समय सूर्य से ऊर्जा आपको मिलती है, उस समय प्रदूषण का स्तर बहुत गिरा हुआ होता है और आप निर्मल वायुमंडल में योगाभ्यास कर सकते हैं। उस समय जो आपका ऊर्जा का स्तर है वो भी अधिक होता है, और मैंने कहा कि आधा काम तो सुबह उठने से ही ठीक हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखिएगा, उसका अभ्यास करिएगा। अलार्म लगा करके भले ही सोएं, लेकिन ये सोचें कि सुबह को जो जैसे हम गेस्ट के आने से पहले ताज़ा होकर के तैयार हो जाते हैं, और नॉकिंग के साथ ही हम एकदम से फ्रेश उनके सामने खड़े होते हैं, ऐसे ही जो पूरी दुनिया को ऊर्जा देने वाला सूर्य है, उसका स्वागत हमें निर्मल नेत्रों से और निर्मल तन से करना ही चाहिए। फिर आप देखेंगे कि योगाभ्यास का आपको कितना मज़ा आएगा।